गाइस गुड मॉर्निंग, ये देखो मेरी बेटी यहाँ पर खेल रही है और अभी है नाइट टाइम, तो इस व्लॉग को शुरू करती हूँ मैं नाइट में। और मेरी देखो ये मेरी जो हेयर से इसको ऐसे बेड कर दिया मैंने, ऐसे बांध दिया चोटी करके। एंड मेरे गालों में ना थोड़ी बहुत पिंपल्स हो रही थी, उसका थोड़ा स्किन केयर भी कर लिया। और इसके बाद चली आई बेटी के पास। अभी तक मेरा डिनर नहीं हुआ क्योंकि आज ना हम बाहर गए थे शिवानी का मिल्क लेने के लिए उस पापा के साथ, और अभी हम थोड़ा मस्ती कर रहे हैं। चलो लेट्स स्टार्ट द व्लॉग। क्या क्या होता है आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूँगी। अभी तो इस को जब इसका हैंड सिर्फ और सिर्फ मुँह में जाता है ना शिवानी, ये देखो स्माइल भी कर रही है। ए स्माइल भी कर रही है। कैमरा में देखो तो भूख लग गई है। लाइक कभी कभी ना ऐसे होता है तो सोने के थोड़ा सा पहले सोने के वक्त थोड़ा ब्रेस्टफीडिंग उसको कराती हूँ मैं। बहुत प्यारा है ना। आपके पास कौन सा बच्चा है वो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। मुझे सुनकर अच्छा लगेगा कि कितना उम्र है उसका। तो इसका तो अभी 5 मंथ्स चल रही है। गाइस तो अभी ब्रेस्ट फीडिंग करानी हो गई है। देखो बर्पिंग के लिए थोड़ा बहुत ऐसे मेटे बार मिल्क स्पिट हो रही है फिर से। ओफो रुको मैं जरा इसको पोंछ देती हूँ पहले। तो यहाँ पर कैमरा को लगा दी है। क्या टाइम है? प्ले टाइम है, सोने के पहले थोड़ा बहुत खेलने के टाइम है ना। होल्ड गाइस गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह उठ गई एकदम, उसको भी आज 7 बजे वो उठी थी तो उसको फीड करा दिया। फिर मैंने कॉफ़ी एंड टोस्ट खाया, फिर से वो रोने पड़ी जब उसको मैं क्रीब में रखी, तो फिर से उसको फीडिंग करा रही हूँ। उसके बाद नहाऊंगी, फिर लंच बनाऊंगी, एक स्पेशल रेसिपी बनाऊंगी। चलो व्लॉग में बने रहो, आप लोग दिख पाओ। हेलो गाइस, तो अब बज रहे 12:30। तो मैं किचन में चली आई एकदम नहा धोकर करके, और आज ये ब्लैक कलर की साड़ी मैंने पहनी हुई हूँ। कैसे लग रही हूँ मैं जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। और मेरे पास यहाँ पर है चिकन आइटम, तो आज एक चिकन आइटम बनाऊंगी और दाल भी बनाऊंगी। चलो देखते हैं कौन सा स्पेशल चिकन आइटम आज बनाती हूँ। आज सोच रही हूँ कि दही चिकन बनाऊंगी। उसके यहाँ पर मैंने लाइक रेडीमेड जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐसे मिलता है वो खरीद ली है। फिर यहाँ पर है तेज पत्ता, सनराइज के आलू दम, और ये सब कुछ प्रिपेयर कर लेते हैं, पहले मैरिनेट कर लेते हैं फिर आते हैं। Hey guys, मैं यहाँ पर अच्छी तरीके से अपने चिकन को मैरिनेट कर लिया है, देख सकते हो। लाइक इसको मैं यहाँ पर दिया है लाइक कॉर्ड मीट मसाला, हल्दी, नमक एंड थोड़ा सा क्या बोलते हैं इसको रेड चिली पाउडर। इससे मैरिनेट ऐसे करके मैं रख दूंगी लगभग 1 घंटा आप रखूंगी मैं। आप चाहो तो उसके ज्यादा भी रख सकते हो, इट्स रियली अप टू यू, पर मेरे पास उतना टाइम नहीं है तो मैं 1 घंटा इसको मैरिनेट करके रख दूंगी। देखो शिवानी यहाँ मम्मी के पास है, खाना हो गया और अभी ऐसे बर्पिंग टाइम है उसका। देखो कैसे दिख रही है।
स्माइल स्माइल बेसन और राइस फ्लावर माने चालेर गुड़ी जो चाल चावल का आटा जो बोलते हैं वो, बेसन एंड हल्दी टर्मरिक मैंने ली है, कॉफ़ी पाउडर ली है और क्या ली है, हाँ हानी, और आप चाहो तो रोज़ वाटर या एलोवेरा जेल भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने नहीं दिया। तो मैं इसमें वाटर मिला के पेस्ट कर लिया है, तो थिकनेस कुछ ऐसा होगा। बहुत इफेक्टिव होता है जब आप तो इसको ना मैं 3 दिन से यूज कर रही हूँ, और जब ये हो जाएगा, अच्छे रिजल्ट्स आ जाएगा, उसको तो आप लोग को बताऊंगी। और जो लेफ्ट ओवर हो जाता है ना, उसको मैं ऐसे करके अपनी हैंड्स में दे रही हूँ। I just rub into my hands like this and put this over it. तो फिर ऐसे मैं पानी ले लेती हूँ अपने हाथों पर, फिर ऐसे करके मसाज करती हूँ, और ऐसे हल्के हल्के हाथों पर मसाज करती हूँ। ये लगाने से ना बहुत बेनिफिट हुआ है मेरे को, और जो भी पिंपल्स के स्कार्स थी, ब्लैक स्कार्स थी, वो सब कुछ लाइक रिमूव हो गई है। और मैं एक जेल भी लगाती हूँ उसकी तरफ, डॉक्टर प्रिस्क्राइब जेल है, अगर आप चाहते हो तो मैं उसको आपको बताऊंगी, अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना अगर आप जानना चाहते हो तो, क्योंकि मेरे इस माउथ पोर्शन में ज़्यादा पिगमेंटेशन है, तो इसके लिए मैं सर्कुलर मोशन में ऐसे करूँगी, जस्ट 5 to 10 minutes रखूँगी, फिर वॉश कर लूँगी। गाइस, तो इस व्लॉग को अभी एंड करते हैं, और मेरे फेस में ग्लो कैसे लग रही है जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। इस DIY को अगर यूज करना चाहते हो तो जरूर यूज कर सकते हो, इट्स टोटली क्रूएली फ्री एंड बहुत ही ऑर्गेनिक टाइप की है, एंड मैं अपनी चोटी बना ली ही ऐसे हेयर पे। और इस व्लॉग को और ज्यादा कंटिन्यू नहीं करूंगी क्योंकि मेरे फोन में ना उतना स्पेस नहीं है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।